किले ने राजा से क्यों मांगी अपने पुत्र की बलि, राजकुमार को देख करके क्यों हंसने लगी मृत खोपड़ी। इस नाम से मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो इस वीडियो का पहला भाग है। वह कहानी मुझसे अधूरी रह गई थी और बीच में नल पुराण की कथा प्रसारित करने के कारण मैं उसे आपको नहीं सुना पाया था। उसके लिए मेरे पास बहुत से कमेंट आए, परंतु समय का अभाव था और नल पुराण की डिमांड ज़्यादा थी, इस वजह से मैं आपकी सेवा में उसे प्रसारित नहीं कर पाया। परंतु आज मैं आपकी सेवा में उस कहानी का दूसरा भाग प्रसारित कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और भक्तों का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि राजकुमार और रानी दोनों वहां से अपने राज्य को छोड़ करके एक दूसरे राज्य में आ जाते हैं और वहां राजकुमार दाने को पराजित कर देता है और अधमरी अवस्था में वह दाना एक गुफा में गिर जाता है, किले की खाई में गिर जाता है। और जब राजकुमार राजकाज देखता तो दाना वहां से निकल करके आता, भेष बदलता और जो रानी थी बड़ी सुंदर थी उस रानी के पास आ जाता। धीरे धीरे रानी की और उस दैत्य की गहरी मित्रता हो गई, दोनों रात दिन एक साथ रहने लगे। और अब जब राजकुमार राज्यसभा को छोड़कर के महल में अपनी माता के पास आता तो रानी पहले ही उस दाने से कह देती, उस दैत्य से कह देती कि मेरा पुत्र आ रहा है। राजकुमार से वह दैत्य बहुत डरता था, इसलिए चुप उस खाई में छिप जाता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और देखिए श्रोताओं, रानी की और उस दैत्य की मुलाकात बहुत गहरी हो गई, उनके प्रेम संबंध बन गए। अब तो राजकुमार रानी को और उस दैत्य को खटकने लगा, वहां से तो बचा करके ले आई, परंतु देखिए त्रिया की जाति ऐसी ही होती है, कहीं भी बहक सकती है। अब एक दिन दैत्य उस रानी से कहने लगा कि रानी, यदि ये तुम्हारा पुत्र मर जाए तो हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे और फिर हमारे रहने में कोई खलल नहीं मचाएगा, कोई व्यवधान नहीं आएगा। रानी कहने लगी कि मारेगा कौन इसको, ये तो बहुत पराक्रमी है। कि रानी, इसका उपाय तुझे मैं बताऊंगा। तुम ऐसा करो, अपनी आंखों को बांध लो पट्टियों से, दर्द का बहाना ले लो कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। और जब राजकुमार आकर के पूछे कि ये दर्द कैसे मिटेगा, तो तुम कह देना कि शेरनी का दूध यदि कोई लाए तो मेरा दर्द मिट सकता है। बेटे, तेरे पिताजी तो शेरनी का दूध लाते थे। हे श्रोताओ, दैत्य ने रानी को सिखा दिया और रानी राजकुमार जब महल में आया उससे पहले ही आंखों पर पट्टी बांध लेती है और रोने करहाने लग जाती है। राजकुमार आया और अपनी माता से पूछने लगा कि मैया, क्या बात हो गई। तो रानी कहने लगी, बेटे कोई बात नहीं है, आंखों में दर्द हो रहा है, बड़ा तेज दर्द हो रहा है, मेरी आंख दुख रही है। तो राजकुमार बोला, माता इन आंखों का दर्द कैसे मिटेगा। तो रानी कहने लगी कि बेटे, तेरे पिताजी तो मुझे शेरनी का दूध लाते थे और शेरनी का दूध मैं आंखों में लगाती थी और 2 से 3 दिन में मेरी आंख सही हो जाती थी। अब तो राजकुमार कहने लगा, मैया चिंता मत करें, मैं भी शेरनी का दूध लेकर के आऊंगा, तू आराम से किले में रहे, मैं वैद्यों से और डॉक्टरों से कह जाता हूं, वे तेरी देखभाल करेंगे, और दास दासियों से कह देता हूं, और मैं जा रहा हूं तुझे शेरनी का दूध लेकर के आऊंगा। निर्भीक राजकुमार हाथ में तलवार लेकर के अपने घोड़े पर सवार होता है और चल देता है बबरी वन के लिए। श्रोताओं, भयंकर वन में राजकुमार आ जाता है और वहां एक जो शेर की गुफा थी, उस गुफा में शेर के 2 छोटे-छोटे शावक रखे हुए थे। अब देखिए, राजकुमार वहां आराम करने के लिए बैठ जाता है कि कहीं मुझे शेर और शेरनी तो मिले नहीं है, लेकिन आराम कर लेता हूं। जैसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठा तो उसी के पास में शेर के 2 शावक थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें छोड़कर के शेर और शेरनी जंगल को शिकार करने के लिए चले गए थे।
और एक बहुत विशाल जहरीला अजगर वहां उस वन से निकलता है और उस गुफा की तरफ चलता है जिसमें वो शेर के बच्चे बैठे हुए थे। अब वो दोनों बच्चे चिल्लाने लगे, चिंगारने लगे। जब राजकुमार ने देखा कि यहां किसी कोई बच्चे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, क्या कारण है, तो राजकुमार ने देखा दो छोटे छोटे शावक चिल्ला रहे हैं और एक सर्प उनकी तरफ बढ़ रहा है। सर्प विशाल सर्प था, मुंह फाड़े हुए आगे की तरफ चल रहा है। राजकुमार ने जब ये देखा कि ये सर्प इन बच्चों को खाएगा, तो अपनी तीक्ष्ण तेग निकाली और तीक्ष्ण तेग निकाल करके सर्प के गर्दन को अलग कर दिया, बीच में से टुकड़े कर दिए और मार करके उस सर्प को गुफा के दरवाजे पर ही डाल दिया बगल में। अब देखिए, ऐसे मानो जैसे कोई बहुत बड़ी मैज पड़ी हो, मैज जानते हैं जो खेतों में देते हैं, ऐसे मैज जैसे हो जाते हैं सर्प। कोई बहुत बड़ा विशाल शरीर वाला मृत सर्प वहां पड़ा हुआ है। अब देखिए, राजकुमार तो वहां सो जाता है और तब तक शेर और शेरनी वापस आ जाते हैं। जब शेर ने देखा तो शेरनी से कहने लगा, शेरनी आज हमें चोर मिल गया, हमारे बच्चों को यही दुष्ट मारता था, आज इसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। शेरनी कहने लगी, ठीक है महाराज, परंतु पहले बच्चों को तो देखिए कि बच्चे मार दिए या जीवित हैं। ये सोच करके शेर और शेरनी पहले अपनी गुफा में प्रवेश कर गई और जब गुफा में देखा तो दोनों बच्चे सुरक्षित बैठे हुए थे और अपने माता पिता से कहने लगे कि जो ये परदेशी है इसको मत मारना। शेर कहने लगा, क्यों बेटे, ये तो तुम्हें मारने के लिए आया था कि ये नहीं मारता था हमें, हमें मारने वाला तो दूसरा है, देखिए इस गुफा के दरवाजे पर पड़ा होगा, इसने तो अपनी तलवार से उसे काट करके हमारे प्राण बचाए हैं। जब शेर और शेरनी ने अपने बच्चों की ये बात सुनी तो बाहर निकली, बाहर निकल करके देखा तो एक विशाल अजगर सर्प मरा हुआ पड़ा है। शेर कहने लगा, शेरनी मैं पहले इसे भोजन की व्यवस्था करता हूँ, कहीं से इसे खाने के लिए फल लाता हूँ और तू कहीं सरोवर से पानी लेकर के आ और तब इसे जगाएंगे। हे दर्शकों, वह शेर उस वन में जाता है और बड़े मधुर मीठे मीठे फल खाने के लिए लाता है। शेरनी भी कोई पात्र लेती है और उसमें जल लेकर के आती है। दोनों ने उससे उस राजकुमार को जगाया तो राजकुमार उन्हें देख करके थोड़ा डरा तो शेर कहने लगा, मित्र डरने की आवश्यकता नहीं है, आप कौन हैं और इस वन में कैसे आए, आपने तो हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, आपने हमारे बच्चों के प्राण बचाए हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई खतरा नहीं होगा। अब देखिए श्रोताओ, राजकुमार कहने लगा कि देखिए शेर, मेरी मैया की आंखों में दर्द हो रहा है, दुखनी आ रही है आंख और इसलिए मुझे इस वन में आना पड़ा। मेरे पिताजी शेरनी का दूध लाते थे और उस दूध को मेरी माता आंखों में लगाती थी और उससे उनकी आंखें सही हो जाती थी। तो शेरनी कहने लगी कि बेटे ठीक बात है, परंतु वो मुझे ऐसा लगता है कि तेरे साथ कुछ छल हो रहा है, नहीं तो मेरे दूध से किसी की आंखें सही नहीं होती हैं। तू एक पात्र में दूध ले जा और साथ में प्रमाण के लिए कि दूध शेरनी का है मेरा एक बच्चा ले जा और मेरा ये बच्चा हमेशा तेरा साथ देगा। तो हे श्रोताओ, शेरनी ने अपने एक शावक से कहा कि इसने तुम्हारे प्राण बचाए हैं और तुम्हें आजीवन इसकी सुरक्षा करनी है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, राजकुमार है, लेकिन ये हो सकता है इसके साथ कोई छल किया जा रहा हो, जा बेटे तो इसके साथ चला जा। शेरनी ने अपने एक शावक को राजकुमार को दे दिया, छोटा सा शावक था, राजकुमार ने घोड़े पर बैठाया और दूध हाथ में लिया और चल देता है वापस उसी गढ़ के लिए। आ जाता है चलता हुआ अपने उस राज्य में और जैसे ही रानी छत पर चढ़ी तो देखा कि उसका पुत्र एक सिंह का शावक और हाथ में दूध लिए हुए चला आ रहा है। तो रानी कहने लगी, शीघ्रता से नीचे आई और दैत्य से बोली कि जल्दी से प्राण बचाने हो तो इस खाई में निकल जाओ, मेरा पुत्र आ चुका है, वो तुझे भी मार देगा और मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगा। देखिए श्रोताओ, दैत्य तो उस खाई में सरक जाता है
और रानी आंखों पर पट्टी बांधकर खाट में गिर जाती है। अब देखिए राजकुमार आया और राजकुमार ने अपनी मैया से कहा कि माता मैं दूध लेकर के आ गया हूं, आप लीजिए। दूध रानी ने लिया और उसका तो बहाना था, एक दो दिन वैसे ही लगाया और वो सही हो गई। और जब राजकुमार सभा में आता तो दाना महल में आ जाता, रानी के पास आराम से रहता और फिर उसी खाई में नीचे चला जाता। रानी और दैत्य मन में विचार करने लगे कि हम राजकुमार को वहां भी नहीं मार सके, शेरों ने भी राजकुमार को नहीं मारा रानी, और यदि इसे मेरा पता चला तो ये मुझे तो मारेगा ही लेकिन जिंदी तुझे भी नहीं छोड़ेगा। रानी कहने लगी तो आप बताएं किस तरीके से इसे मार्ग से हटाएं, कैसे ये राजकुमार मर सकता है। तो ये बात सुनकर के रानी कहने लगी कि देखिए कोई और उपाय तुम ही बताओ। तो दैत्य बोला रानी फिर तुम एक बहाना बनाओ नेत्र दर्द का और कह देना अपने पुत्र से कि मेरे पिताजी एक गरुड़ पंख नामक पक्षी होता है उसकी बीट लाते थे और वह पक्षी ऐसा होता है कि यदि उसके पास कोई आदमी चला गया तो उसे निगल जाता है, हाथियों को लेकर के भी अंतरिक्ष में उड़ जाता है, ऐसा विशाल पक्षी है, वह इस राजकुमार को खा जाएगा, मार देगा और फिर हम और तुम आराम से ऐस आराम से इस दुर्ग में रहेंगे, फिर ना तुम्हें कोई चिंता रहेगी और ना मुझे चिंता रहेगी। रानी बोली ठीक है। रानी ने एक दो महीने का समय निकला और फिर नेत्रों का बहाना बनाया और फिर कराने लगी। राजकुमार जब शाम को अपने राजपाट को समाप्त करने के बाद, बंद करने के बाद महल में आया तो अपनी मैया को पड़ा हुआ देखा तो पूछने लगा कि मैया ऐसी क्या बात है, फिर आज तुम्हारे नेत्रों में दर्द हो गया क्या? तो मैया कहने लगी हाँ बेटे। रानी बोली मेरे नेत्रों में दर्द हो गया। तो राजा का लड़का बोला कि मैया शेरनी का दूध और लाना है कि नहीं बेटे, शेरनी के दूध से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी तो गैर पंख नामक एक पक्षी होता है और उस पक्षी की बीट लाती थी और उनका लेप मैं मेरी आंखों पर करती थी और तब मेरी आंखें सही हो जाती थी, साल दो साल सही रहती थी। हे श्रोताओं, राजकुमार बोला ठीक है मैया, चिंता मत करे, तीसरे दिन मैं तेरा दर्द सह नहीं कर सकता, मैं तुझे गैर पंख नामक पक्षी की बीट ला दूंगा। ये सोच करके राजकुमार ने अपने मंत्री, सेनापति और राजपुरोहितों से कहा कि तुम राज्य का संचालन करो और मुझे मेरी माता के लिए दवाई लानी है। और श्रोताओं, राजकुमार अपने राजपुरोहित और सेनापति से कहकर के अपने घोड़े पर सवार हुआ, सिंह का बच्चा साथ लिया और चल देता है सुनसान वन के लिए। जो गैर पंख नामक पक्षी था वो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जहां दलदली वन होते हैं उनमें मिलता है, सघन वनों में मिलता है। ये सोच करके राजकुमार चला जा रहा है कि देखा जाएगा, लेकिन मैया की आंखें तो सही करनी है क्योंकि मुझे वे वहां से बचा करके लाई थी, नहीं तो मेरे पिता मुझे किले की नीम में जिंदा ही चिनवा देते। राजकुमार चल रहा है, साथ में शेर जा रहा है और घोड़े पर बैठा हुआ है, हाथ में वही तेग है, चला जा रहा है। दो तीन दिन का सफर करने के बाद राजकुमार उस समुद्र के तटीय क्षेत्र थे, जो वन थे उनमें पहुंच जाता है। अब देखिए श्रोताओं, राजकुमार ने जहां तटीय क्षेत्र था वहां उसे पता नहीं चला और सोचा कि इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेता हूं और उसी वृक्ष पर और जो गैर पंख नामक पक्षी था उसके बच्चे एक झाड़ी में रखे हुए थे, क्योंकि कुछ पक्षी झाड़ियों में घोंसला बनाते हैं, विशाल पक्षी था इसलिए झाड़ी में घोंसला बनाया, वहीं उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब एक शेर चलता है और शेर को काफी दूर से वो बच्चे दिखाई देने लगे। शेर ने देखा कि इस बांस के वृक्ष में, जो बांस का बेड़ा होता है उसमें रखे हुए थे, और शेर मन में विचार करने लगा कि इन दो बच्चों को आज मेरा भोजन बनाऊंगा। वो बच्चे उस शेर को देख करके चिचियाने लगे,
चहचाट करने लगे। और जब राजकुमार ने देखा कि किसी पक्षी के बच्चे हैं, पर ये चहचा क्यों रहे हैं, तो देखा सामने से एक शेर उसी झाड़ी की तरफ चला आ रहा है और उस बांस के वृक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हे श्रोताओं, राजकुमार ने तलवार निकाली, तलवार निकाल करके उस शेर को ललकारा और शेर नहीं माना तो उसके दो टुकड़े कर दिए, काट करके शेर को वहीं डाल दिया और राजकुमार आराम से अपने सावक के साथ सो जाता है, वहीं घोड़ा बंधा हुआ है। कुछ देर बाद, घंटे दो घंटे का समय हुआ, तो गैरपंख और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चों के पास दाना लेकर के आए। जब दूर से ही गैरपंख की पत्नी को दिखाई दिया कि ये कोई दुष्ट हमारे बच्चों को मारता था, हम सोचते थे कि प्रतिसाल हमारे बच्चों को कौन मार देता है, यही मारता होगा, आज ये जीवित नहीं जाना चाहिए। गैरपंख कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं है, एक ही बार में निगल जाऊंगा मैं इसको, तुम इसके घोड़े को खा जाना और इस शेर को खा जाना जो शेर का बच्चा है। परंतु उससे पहले गैरपंखनी कहने लगी कि महाराज, हमें पहले अपने बच्चों को देखना चाहिए, इसने मार दिए या जीवित है। और जैसे ही वो बांस के उस बिड़े में प्रवेश किया गैरपंख और गैरपंखनी ने, तो वहां बच्चे चिचाने लगे और कहने लगे कि जो परदेशी है इसे मत मारना, इसने हमारे प्राणों की रक्षा की है, देखिए गुफा के दरवाजे पर ये शेर हमें खाने आ रहा था और इसने हमारी सुरक्षा की, इसे मारा, यदि ये नहीं होता तो आज ये शेर हमें खा जाता। हे श्रोताओं, अब तो गैरपंख और गैरपंखनी दोनों कहने लगे, वाह ये तो कोई भगवान है, इसने तो हमारे बच्चों को बचा दिया, हे गैरपंखनी तुम जाओ इसके लिए कहीं से पानी लेकर के आओ और मैं जा रहा हूं इसे खाने के लिए भोजन लाऊंगा। देखिए श्रोताओं, गैरपंख ने उड़ान भरी और कोई सेठ जलेबियों का थाल लेकर के जा रहा था, उस थाल में झपट्टा मारा और पैरों से लेकर के उस थाल को आ जाता है उसी वन में। गैरपंखनी ने उड़ान भरी और कोई औरत कुआं से पानी भर करके ले जा रही थी, उसके ऊपर जो झेर रखी थी, करसिया रखी थी, उसको उठाया और उस पानी के बर्तन को लेकर के वह भी आ जाती है। दोनों ने उस राजकुमार को जगाया और राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, तुम बैठे हो जाओ, खड़े हो जाओ, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने तो हमारे बच्चों के प्राण बचाए हैं। राजकुमार कहने लगा कि देखो भाई पक्षियों, आदमी का धर्म होता है, ये एक क्षत्रिय का धर्म है कि निर्बल की सुरक्षा करे, और यदि कोई क्षत्रिय अपने धर्म का निर्वाह नहीं करता है तो वो नरकगामी होता है, इसलिए मैंने मेरा धर्म समझ करके छोटे छोटे आपके बच्चे चिल्ला रहे थे मैंने उन्हें बचा दिया। अब तो गैरपंख ने बड़ी सेवा की उस राजकुमार की, भोजन कराने के बाद जल पिलाया और पूछने लगे कि कहो मित्र तुम यहां क्यों आए, आने का कारण क्या है। ये सुनकर के राजकुमार कहने लगा कि मेरी माता की आंखों में दर्द हो रहा है और दर्द इतना तीव्र है कि मिट नहीं रहा है, मेरे पिताजी गैरपंख पक्षी की बीट ले जाते थे तो मैं गैरपंख की बीट लेने के लिए तुम्हारे यहां तक चलकर के आया हूं, इसलिए आप मुझे अपनी बीट प्रदान करें। तो वो पक्षी कहने लगा कि देखिए राजकुमार, वैसे तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, मेरी बीटों से किसी की आंखें सही नहीं होती, परंतु मैं तुम्हें मेरा एक बच्चा दिए देता हूं, यदि तुम बीट ले जाओगे तो तुम्हारी माता ये कहेगी न जाने किस पक्षी की बीट लेकर के आ गई, तुम मेरे इस पुत्र को ले जाओ, मेरे इस बच्चे को ले जाओ और ये वहां उन्हें बीट करता रहेगा और उन्हें जब आवश्यकता होगी तो तुम्हारी माता बीट लगाती रहेंगी। देखिए श्रोताओं, गैरपंख ने और गैरपंखनी ने सम्मान सहित एक अपना सावक दे दिया उस राजकुमार को और राजकुमार उस सावक को लेकर के, उस गैरपंख के बच्चे को लेकर के चल देता है और गैरपंख का बच्चा और शेर का बच्चा दोनों साथ है और चला आ रहा है। जब 3 से 4 दिन का समय हुआ तो रानी अपने छत पर चढ़ी और देख रही है
और जब रानी ने छत पर चढ़ करके देखा तो देखा कि उसका पुत्र घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा है। उसके साथ एक विशाल शरीर वाला पक्षी का बच्चा भी है और शेर का बच्चा है। तो रानी नीचे उतरी और उस दैत्य से कहने लगी, उस दाने से, कि जल्दी से भाग जा, मेरा पुत्र आ गया है। दाना कहने लगा, अब भी नहीं मरा क्या? कि नहीं, उसके साथ विशाल पक्षी है। दाना तो उस खाई में सरक जाता है और राजकुमार महल में प्रवेश कर जाता है। वहां देखा तो उसकी मैया वही बहाना बनाए हुए पड़ी हुई है, करहा रही है। राजा का लड़का बोला कि लो माता, मैं पक्षी की भीत ले आया हूं और गैर पंख पक्षी को भी साथ में ले आया हूं। अब आपको जब आवश्यकता हो आप इसकी भीत लगा सकती है। अब तो देखिए श्रोताओं, रानी का तो एक बहाना था, एक दो दिन मूढ़े को भीत लगाई और वो सही हो गई और आराम से रहने लगी। राजकुमार भी निश्चिंत हो जाता है कि मैया की आंख सही हो गई और मैं मेरे राज्य का संचालन करूं। राजकुमार इधर उधर से जहां आबादी युक्त क्षेत्र थे वहां से लाल आकर के उस बर्बाद शहर को आबाद करने में लगा हुआ है, वहां जनता बसाने में लगा हुआ है और रानी उसी दाने के साथ ऐश आराम कर रही है। राजकुमार जब महल में नहीं रहता तो वह दाना भीतर आ जाता, रानी के साथ रहता, चौसर खेलता, आराम से रानी ही उसे भोजन कराती और बड़े मजे में राजमहल के सुख भोग रहा था। एक दिन फिर वह दाना कहने लगा कि हे रानी, यदि यह तुम्हारा पुत्र नहीं मरा तो यह निश्चित ही हमको और तुमको समाप्त कर देगा। बताइए कैसे यह तुम्हारा बेटा मरे। रानी कहने लगी कि दाने, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई इसे मार सकता है, ये तो बड़ा प्रतापी है। दाना कहने लगा कि देखिए, एक उपाय मेरे पास और भी है। कि क्या उपाय है? कि अब की बार तुम आंखों का दर्द का बहाना और बनाओ और फिर तुम्हारे पुत्र से कहना कि बेटे, ये हर 6 महीने में दर्द हो जाता है, यदि इसका स्थायी हल है तो सोरंजल नामक एक पानी है जो कि अमृत के कुंड में से निकला हुआ है, उसमें कुछ अमृत की बूंदें भी होती हैं और वह नागद्वीप पर मिलेगा। तुम्हें नागद्वीप जाना होगा और नागद्वीप से वह सोरंजल नामक जल लेकर के आओ। उस जल से मैं नेत्रों में छींटे मारूंगी ताकि अमृत की बूंदें इन नेत्रों में चली जाएं और फिर मैं आराम से बहुत लंबे समय तक मेरी आंखों में दर्द नहीं रहेगा। रानी कहने लगी ठीक है, परंतु ये बताओ वो क्षेत्र है कैसा। कि रानी, वहां वो नागद्वीप है और उस नागद्वीप पर एक एक योजन तक विषैले जहरीले उड़ने वाले पंचमुखी काले पीले अनेकों रंगों के नाग रहते हैं और वहां एक सरोवर है, वहां एक कुंड है, दिव्य कुंड। उस कुंड की सुरक्षा करते हैं क्योंकि वह कुंड है, उसकी उत्पत्ति अमृत कुंड से हुई है, वह जल अमृत के समान है और उसको लाना इतना आसान नहीं है। वहां तुम्हारा पुत्र यदि चला भी गया तो वहां से जीवित नहीं आएगा, उसमें चारों तरफ नाग ही नाग रहते हैं। रानी बोली ठीक है, जब ये बात है तो मैं फिर बहाना बनाऊंगी। श्रोताओं, तब तक जो राजकुमार था उसका जो शेर था वो भी बड़ा हो गया और जो गैर पंख था, देखिए श्रोताओं, कुछ समय ऐसे ही निकल गया और वह जो राजकुमार था तब तक उसका जो सावक था सिंह का बच्चा वो भी काफी बड़ा हो गया और जो गैर पंख नामक पक्षी था उसका शरीर भी विशाल हो गया, बहुत बहुत बड़े बड़े पंख हो गए उसके। अब रानी ने कुछ दिन बाद फिर बहाना बनाया, बहाना बना करके उसी चारपाई पर लेट जाती है और करहाने लगी। जब राजकुमार शाम के वक्त अपनी राज्यसभा को बंद करके दरबार को समाप्त करके महल में आया तो अपनी माता को करहाते हुए देखा, जोर जोर से करहा रही थी, चिल्ला रही थी। राजकुमार कहने लगा कि माता, अब क्या बात है? कि बेटे, बहुत तेज दर्द हो रहा है नेत्रों में, दोनों नेत्र फूटे जा रहे हैं। राजकुमार बोला कि मैया, इसका उपाय क्या है?
क्या शेरनी का दूध लाऊं या गैरपंख की बीट कि बेटे अब इनसे कुछ नहीं होगा। राजकुमार बोले, तो माता फिर इसका इलाज क्या है? कि बेटे इसका एकमात्र इलाज है तेरे पिताजी नागदीप से सोरंजल लाते थे, वह अमृत जल होता है और उसको लेकर के आते थे और उस जल से मैं आंखों में छींटे देती थी तो मेरे नेत्रों का दर्द बंद हो जाता था। हे श्रोताओं, ये बात सुनकर के राजकुमार कहने लगा, ठीक है माता, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें सोरंजल लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए और मैं ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के समय में वापस लौट आऊंगा, मैं नागदीप जा रहा हूं। देखिए श्रोताओं, राजकुमार ने अपने घोड़े को सजाया, घोड़े को सजाने के बाद अपना शेर और गैरपंख नामक पक्षी साथ में लिया और चल दिए। तब तक शेर भी बड़ा हो गया था, तीव्र गति से चल सकता था घोड़े के साथ, गैरपंख उसकी छाया करता हुआ चल रहा था। तो श्रोताओं, यहां से आगे का भाग मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। इसी के साथ आप सभी से लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। जय हिंद, जय भारत।